द्वारा मार्केट आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया है, ठेला फल खोखा व्यापारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं और साथ में ये भी कहा है कि इस मामले में कोई दलाली नहीं चलेगी, अगर कोई दलाली करता है तो उसको उचित कार्य से खबर ली जाएगी। यहाँ तक उन्होंने कड़े भाषा का प्रयोग करते हुए ये भी कह दिया है जो दलाली मांगे उसको जूते मिलेंगे। बहुत सख्त फैसला है, शहर को चमकाने की दिशा में एक नया अच्छा कदम है जिसके यहाँ पर इंदिरा मार्केट के व्यापारियों ने स्वागत किया है नारे लगाकर उमेश गौतम जिंदाबाद के। हम आपको दिखा रहे हैं डिटेल कवरेज, बहुत सारे व्यापारी मेरे कैमरे की नज़र में यहाँ पर इस समय खड़े भी हैं, आप देख रहे हैं सभी व्यापारी और इन सबको भरोसा दिलाया गया है कि एक एक व्यापारी को यहाँ पर दुकान मिलेगी, किसी के संग अन्याय नहीं होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, यानी सबका साथ और सबका विकास होगा। छप्पन तैयार है ना अपने पास, 16 तैयार हो रहे हैं, ये 40 हुई है यहाँ तक, लेकिन 16 जो हो रही है वो इधर लगेंगी या उस साइड लगेगी, इधर ही लगेगी, ये वाली इधर ही लगेगी, वही बात है ठीक है, वो वही मिलेगी लेकिन वो इधर सड़क के मिल जाएगी। और देखो जो भी विरोध करेगा उसको नहीं मिलेगी, ये समझ लो, कोई भी हो उसका सामान भी सारा जब्त हो जाएगा और उसको मिलेगी भी नहीं। और मैंने ये भी कह दिया है कि जो मूल आवंटी है अगर वो उनकी डेथ हो गई है और उनके नाम से रसीद कट रही है तो जो जो उनकी जगह बैठा है उसको मिल जाएगी, उसके नाम से मिल जाएगी, ठीक, तो उसका नाम हो जाएगा हमेशा के लिए काम बहुत बढ़िया। अच्छी बातें करो, अच्छी चीजें करने का प्रयास करना है। महापौर डॉक्टर उमेश गौतम इंदिरा मार्केट का निरीक्षण कर रहे हैं, अब वही इंदिरा मार्केट है जिसमें कल यहाँ पर दुकानें भी लगनी अभी हम इसमें से दे देंगे लेकिन जैसे ही वहाँ पे उनकी लगेगी तो वो उसमें हम उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं, बहुत तो उसको बड़ी ठीक है तैयार है सब, पिताजी का नाम एक, चार बच्चों के नाम लिखा दिए तो ये थोड़ा बैठ जाएगा, और एक लिखा दिया कि फलाने शमसी और एक जगह लिखा दिया पिताजी का नाम शमसी और एक का नाम बरकत हुसैन शमसी, तो यार ये क्या इतने लोग, तो हम लोग भी समझदार है ना कि कहाँ, तो इसलिए एक आदमी एक लेगा जी सर, ये उसको समझदारी मिलेगी। हाँ इसमें लगभग 20-22 जने आ रहे सारी चीजें एडजस्टमेंट एक दिन में तो हो नहीं सकता, अभी वो 5-4 की है जो बड़ी मिलेगी वो 6-4 एक फुट का फर्क है, 6-4 की है ठीक है, तो अभी आप ये वाली ले लो, अगर जिनको लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, लेना चाहते हो तो आप ये 5x4 वाली जो ये ले लो और फिर आपको उसको अगर बड़ी से होगा तो एक्सचेंज कर देंगे, 6x4 लेना चाहोगे आप एक्सचेंज कर लेंगे, एक फुट की है क्यों जरूरत पड़ेगी तो बाद में लगवा देंगे। इसके नीचे आप कुछ लगवाओगे वो क्या हटना भैया जरा सामने से, मैं कह रहे थे कि आप कुछ लगवाएंगे डाल देंगे, आप है ना नाली के ऊपर थोड़े से ऊंचाई बढ़ा दो, जगह पे पानी जाने का रास्ता, बेटा हट जाओ, तुम लोग हट जाओ, बेटा हट जाओ, मुझे ये पता लगा कि कुछ लोग अवैध इस तरह के यहाँ लोग घूम रहे हैं, नहीं 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 वो अपना दिमाग थोड़ा सा ठीक कर ले, जेनुअन आदमी है, जेनुअन को सबको मिलेगी, पूछने की जरूरत नहीं है, कोई पैसे मांगे उसको जीते दो, बहुत सही।
क्या होने वाला है आज इंदिरा मार्केट, आप आए आपने क्या देखा, क्या निर्देश दिए हैं, कल क्या होने वाला है यहाँ पर? आप ये देख रहे हैं जो यहाँ दुकानें लगी हैं, इनका आवंटन कल होगा और परसों माननीय नगर विकास मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी के हाथों से जिन लोगों का आवंटन कल होगा उनको चाबी दी जाएगी और वो दुकानों के मालिक हो जाएंगे। बहुत लंबे समय से यहाँ के लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो फड़ पर और ठेले पर ही कब तक बैठते रहेंगे, उन्हें भी एक दुकान मिलनी चाहिए जिससे वो सम्मान के साथ काम कर सकें। तो हमारे प्रदेश की आदरणीय योगी जी की सरकार ने माननीय नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना जी के नेतृत्व में ये दुकानें देने का काम किया जा रहा है और परसों से वो लोग अपने आप को दुकान का मालिक कहलवाएंगे जो ठेले के मालिक कहलाते थे। डॉक्टर उमेश गौतम, डॉक्टर गांव लखनऊ के लिए, मैं बरेली से संजीव गंभीर।